अजमेर सेंट्रल जेल में बड़ी लापरवाही का ऑडियो सामने आया है, जो ये साबित करता है कि आनंदपाल को भगाने में पुलिसकर्मियों की ही मिलीभगत थी। दरअसल जिस जेल में आनंदपाल बंद था, उसी जेल में राजस्थान का सबसे बड़ा तस्कर अमीन खान भी था, जो कि रामकिशन सियाग हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी है। लेकिन परिवादी ने सूबे के डीजीपी से फोन पर बात की थी और कहा था कि अमीन खान को पेशी के दौरान पुलिस उसके साथी तस्करों को मिलने का मौका देती है। साफ है कि अजमेर सेंट्रल जेल का हाल क्या है। इस कथित ऑडियो टेप में परिवादी का कहना है कि कैदी को रास्ते में हर किसी से मिलने दिया जाता है। बड़ा सवाल है कि आनंदपाल केस में ऐसी ही लापरवाही हुई। यहां आपको ये भी बता दें कि समाचार प्लस इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर, डीजी साहब बोल रहे हैं सर? हाँ जी नमस्कार सर, मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ, हनुमान सियाग। हाँ जी, रामकिशन सियाग हत्याकांड में मैं परिवादी हूँ। अच्छा, हमारे एक मुलजिम है सर, वो मोहम्मद अमीन, जो राजस्थान का सबसे बड़ा तस्कर है, हथियार तस्कर, अभी वो अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। हाँ, तो वहाँ अजमेर से उसको पुलिस के जो गार्ड लेके आते हैं सर, उसको रास्ते में मिलाते जाते हैं, उसके घर पे लेके जाते हैं, और कोर्ट में भी वो खुलेआम, मतलब उसके जो हथियार के जो तस्करी करने वाले लोग हैं उनसे मिलते हैं बीकानेर में। अच्छा, मैंने सर फोटो भी खींची थी 5 अगस्त को, मैंने यहाँ एसपी को भी दी है, आईजी को भी दी है, और आपको भी मैंने मेल डाला है सर, और अजमेर एसपी साहब को भी मैंने अवगत करवाया है सर। अच्छा, और सर कोई गार्ड अजमेर की कहाँ होगी? हाँ सर, अजमेर के गार्ड, क्योंकि वो अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, वहां से यहाँ पेशी पे आता है बीकानेर। ये है सर, ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके, थैंक यू। एसपी साहब के पास पहुंच के एसपी साहब को हमने वो उस जो हमने की सिखाई उसकी कॉपी दी, उनको बताया कि सर ये मैटर है, और ये अभी ने वो भागने की फिराक में इसके लोग, आपके जो गार्ड के लोग हैं वो रास्ते में इसके लोगों से मिलाते हुए जाते हैं, ये कभी भी फरार हो सकता है सर, हार्डकोर क्रिमिनल है, कार्रवाई करवाएगी। तो हमने कहा सर वो जो भी हो कह रहे आपको, इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो उन्होंने हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। 1 महीने के बाद एसपी साहब ऐसी बात करते हैं, आईजी साहब के रिकॉर्ड में होता है, और 3 सितंबर को आनंदपाल को वही लोग फरार कर देते हैं। निश्चित तौर पर चूक रही है, चूक नहीं होती तो घटना ही नहीं होती, उसकी अलग कार्रवाई चल रही है। जिनकी भी तरफ से चूक रही है, जिन का इसमें कोई लैप्स रहा है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, इसीलिए गार्ड के सभी लोगों को निलंबित भी किया जा चुका है ऑलरेडी, वो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत कार्रवाई चल रही है। उधर 7 दिन पहले फरार हुए गैंगस्टर आनंदपाल के गुर्गे ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। कुख्यात अपराधी आनंदपाल गैंग से जुड़े लानू के केडी चारण ने डीजे कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। केडी चारण पर आनंदपाल के साथ मिलकर संगीन आरोप के मामले में यह कोर्ट में विचाराधीन है। इधर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर देने के बाद आरोपी केडी चारण को जस्टिस नेपाल सिंह ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि केडी चारण के 1 सितंबर को पेशी पर नहीं आने के चलते उसकी जमानत जब्त हो गई थी। इसी मामले में आनंदपाल को 3 सितंबर को सुजानगढ़ कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही 2 सितंबर को वो फरार हो गया। में केडी चारण जो पूर्व में 2 सितंबर को जो बेल जंप हो गया था, उसने आज एडीजे माननीय एजे कोर्ट में एडीजे कोर्ट सुजानगढ़ में जो है सरेंडर किया है। कोर्ट ने उसको नहीं कर सकता। ये इन्हीं प्रकरणों में चल रहा है जो पूर्व में तारीख पेशा चल रही थी, आनंदपाल सिंह और जो ये देवल भरतिया गैंग के जो मामले चल रहे हैं उनमें, लेकिन उसी केस में। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल के फरारी मामले में शामिल और लापरवाही बरतने वाले हर पुलिसकर्मी पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक आनंदपाल के फरारी मामले में डीजीपी मनोज भट्ट का ऑडियो टेप सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की प्रशासनिक जांच के लिए वरिष्ठ आईएएस दीपक उत्प्रेती की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। यही कमेटी आनंदपाल फरारी मामले में संदिग्ध पुलिसकर्मियों की जांच करेगी, साथ ही हाल ही में डीजीपी के खिलाफ आए ऑडियो टेप की भी जांच करेगी। कि पुलिस की लापरवाही रही है, कहीं ना कहीं चूक हुई है, और वो कहां लापरवाही कहां चूक रही, इसके लिए कमीशन भी अब राजस्थान सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है। बाद में हम एक तरह से जहां उनको आइडेंटिफाई करेंगे, वहीं आगे चीजों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको भी सुनिश्चित करने का। एक तरफ गैंगस्टर आनंदपाल की फरारी,
और आतंकी हमलों के लगातार जाली अलर्ट ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो वहीं सूबे के उद्योग मंत्री गजेंद्र खीवसर ने कहा है कि इन घटनाओं का असर प्रदेश में होने वाले निवेश पर नहीं पड़ेगा। ये बात उन्होंने जयपुर में दिए एक बयान में कही। उन्होंने कहा है कि ये सब छोटी घटनाएं हैं जिसका असर रिसर्जेंट राजस्थान पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और इस तरह की घटनाओं का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत छुटपुट वारदातें हैं, आप कह देंगे कि भाई जयपुर के अंदर दो मर्डर्स हो गए, इससे क्या निवेश रुक जाएगा? उससे थोड़ी ना रुकेगा। ये तो इतना बड़ा प्रदेश है, छोटी मोटी वारदात, कोई कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ, कोई आपके शहर में चक्का जाम या बंद नहीं हुआ। एक तो एजिटेशन होता है जो लॉन्ग टर्म होता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो छोटी मोटी वारदातें हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण में आम लोगों के काम समय पर नहीं हो पाते क्योंकि जेडीए में बाबूवाद हावी हो रहा है। ये बात नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने एक बयान में कही। जयपुर में दिए बयान में उन्होंने कहा है कि जेडीए में हावी होते बाबूवाद से वो बेहद परेशान हैं। जेडीए में साल 1990 से और उससे पहले कई मामले अब तक पेंडिंग है, जबकि जनता से जुड़े ये काम आसानी से हो सकते हैं। जेडीए के बाबुओं ने अपने निजी स्वार्थ के चलते इन्हें अटका रखा है। लोगों के काम जल्द कराना हमारी प्राथमिकता है। इसमें कोई डरा नहीं कि जेडीए के अंदर कई पुराने पुराने मुद्दे हैं जिनके लिए लोग अभी तक जेडीए के अंदर जूती फटकारते घूम रहे हैं। कोई का 91 का मुद्दा है, कोई का 90 का मुद्दा है, कई का 90 और 91 से पुराने के मुद्दे हैं। कोई सब्सटेंशियल इशू नहीं होने के बावजूद भी कई ऐसे मामले हैं जिन मामलों को रेड टेबल में फंसा दिया गया, बाबूवाद में फंसा दिया गया। उन लोगों को बाबूवाद के चंगुल से निकाल के किस प्रकार से उनको समुचित सुविधा दे पाए, इसकी चिंता हम करेंगे। पीसीसी के 3 दिनी संवाद और फीडबैक कार्यक्रम के तहत दूसरे दिन भी 13 जिलों के प्रमुख कांग्रेस नेताओं से जिलेवार सुझाव मांगे गए, साथ ही उनसे रिपोर्ट भी ली गई। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुरुदास कामत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी समेत तमाम बड़े कांग्रेस नेता इस दौरान मौजूद रहे। दूसरे दिन निकाय चुनाव में अनुशासनहीनता पर भी कई जिला और कस्बों के कांग्रेसी सिपहसालारों से रिपोर्ट ली गई, साथ ही प्रदेश कांग्रेस के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की गई। वहीं 20 सितंबर को पानीपत में सोनिया गांधी की अगुवाई में आयोजित होने जा रही किसान सम्मान रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी जिला अध्यक्ष, लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ चुके नेताओं, जिला प्रमुख और उप प्रमुख को दिए गए। यदि कहीं भी कोई ऐसी प्रक्रिया या कोई ऐसी गतिविधि संज्ञान में आती है जहां अनुशासनहीनता की श्रेणी में है, तो उसको संज्ञान में लेकर प्रदेश कांग्रेस के स्तर पर उसकी जांच करवाई जाती है और उसकी जांच के बाद जो भी कार्रवाई है हमारे संविधान के अनुरूप उसमें स्वीकृति उसको अपनाया जाता है। लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ, इस समय जो मुख्य रूप से कांग्रेस जन उनकी भावना है संगठित होकर के सशक्त विपक्षी भूमिका निभाए, क्योंकि हम समझते हैं लोकतंत्र में विपक्ष जो है उसका सबसे बड़ा दायित्व होता है कि जनता के संरक्षक की भूमिका में रहे, तो उसके साथ न्याय करने का पूरा पूरा प्रयास कांग्रेस ने गत 2 साल में किया और आगामी समय में भी करेगी। टोंक कलेक्ट्रेट में जिला सतर्कता समिति जनसुनवाई और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बैठक में हंगामा हो गया और इस बवाल की वजह बनी कुर्सी। जी हां, निवाई विधायक हीरालाल को बैठने के लिए कुर्सी न मिलने पर यह पूरा हंगामा हुआ। विधायक के लेट पहुंचने पर उन्हें आगे बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली, जिससे विधायक बिफर गए और बैठक का बहिष्कार कर दिया। उनके समर्थन में सांसद भी आ गए। मामला इतना बढ़ा कि सीएम तक जा पहुंचा। अब विधायक और सांसद डीएम की शिकायत करने सीएम के पास पहुंचे। इधर डीएम ने विधायकों के अपमान की बात को नकारते हुए सभी जनप्रतिनिधियों को सम्मान देने की बात कही। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि एमएलए साहब खड़े हैं 10 मिनट तक और उसको कुर्सी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आप ये मान के पहली बात तो ये कम से कम 2 दिन पहले मैसेज देना चाहिए। किसी भी विधायक को किसी सांसद को कोई मैसेज नहीं है। अब आप तुरंत बैठे बैठे अभी तुरंत आप मैसेज कर रहे हो कि जैसे हम इनके एम्प्लॉई हों। आप ये मान के जब आदमी ऊपर से आदेश है तो कलेक्टर को, सीओ को, एसीओ को चाहिए कि सांसद महोदय को और एमपी और अपने विधायक महोदय को आप 2 दिन पहले सूचित करें, लेटर भेजें, बताएं जी ऐसे जन सुनवाई है। अब कोई भी आदमी अपने व्यवस्थित प्रोग्राम में आए, अभी सामान्य हमारे विधायक जी आए और आगे 10 मिनट तक खड़े हैं, जबकि 4 विधायक और सांसद, कलेक्टर बीच में बैठना जरूरी है लेकिन 4 विधायक वो हो, उसके बाद में हमारा कोई भी और बीच अधिकारी हो और जो हमारे और सामान्य चेयरमैन और वो होने चाहिए।
किशनगढ़ में शौचालय घोटाला मामला सामने आया है। मामला मालियों की बाड़ी ग्राम पंचायत का है। खुले में शौच को रोकने के लिए ग्राम पंचायत में 100 शौचालय बनाने का अनुदान मिला था, जिसे सरपंच ने उठा लिया और शौचालय का निर्माण ही नहीं किया। घोटाले की भनक लगने पर जब समाचार सच्चाई जानने पूर्व सरपंच के पास पहुंची, तो जिन शौचालयों पर फर्जीवाड़े का संदेह था उनके मालिकों के फोटो सरपंच ने फाड़ डाले। शौचालय जो आप पैसे आप दे रहे हैं, किस बना रहे हैं उनको पैसे दे रहे हैं क्या, किस हिसाब से बना रहे हैं, क्या क्या होना चाहिए? नहीं नया था, किस हिसाब से क्या होना चाहिए उनके पास में, उसके पास में नया शौचालय होना चाहिए और गेट लगा होना चाहिए, सीट होनी चाहिए। केशवपाटन में ग्राम सेवा सहकारी समिति में 42 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। मामला सारसला ग्राम सेवा सहकारी समिति का है, जहां पूर्व व्यवस्थापक भगवती शंकर नागर पर लाखों रुपए का गबन का आरोप है। समिति के अध्यक्ष ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। आरोपी के पूर्व व्यवस्थापक भगवती शंकर नागर ने साल 2013-14 में किसानों को दिए गए लोन की राशि वसूल कर अपने पास रख ली। इस बात का खुलासा ऑडिट रिपोर्ट में हुआ। आपको बता दें कि आरोपी भगवती शंकर पिछले साल रिटायर हो चुके हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये ग्राम सेवा सहकारी समिति सारसला के अध्यक्ष बजरंगलाल ने करवाया है, जो कि भगवती शंकर नागर जो कि पहले इसके व्यवस्थापक थे जो अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं, उसके खिलाफ करवाया है। और उन्होंने आरोप लगाया कि भाई इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान करीब सन 2013-14 में करीब 16 लाख रुपये इन्होंने जमा नहीं कराए। प्रदेश में ऊंटों की तस्करी बढ़ती जा रही है। इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब वध के लिए ले जाए जा रहे 63 ऊंटों को कटने से बचा लिया गया। इन ऊंटों को हैदराबाद में ले जाया जा रहा था बूचड़खाने। सरोही के पीएफए ने इन 63 ऊंटों के संरक्षण और पोषण का जिम्मा उठाया है। पीएफए की राष्ट्रीय अध्यक्ष मेनका गांधी के प्रयास से वध के लिए जाने से पहले इन ऊंटों को बचा लिया गया। आपको बता दें कि चौकसी में कमी के चलते राज्य पशु पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल पीएफए आश्रय स्थल पर इन ऊंटों को रखकर इनका टीकाकरण और इलाज करवाया जा रहा है। ऊंटों को पकड़ा गया था, वो ट्रक के द्वारा ट्रक के माध्यम से यहाँ ऊँट हमारे यहाँ सिरोही पीएफए सेंटर में उतारे गए हैं। हमने इनके उतारने के बाद यहाँ इन ऊँटों को इनके चारे की पानी की सब व्यवस्था कर ली है और नियर फ्यूचर में इन ऊँटों को हम सुरक्षित रख करके इनकी सेवा देने का हमारा प्रयास रहेगा। और इसकी सुपुर्दगी पीएफए सिरोही ने लिए, श्रीमती मेनका गांधी के निर्देश पर हमने पीएफए हैदराबाद द्वारा जो पकड़े गए वधशाला में जा रहे थे और वो ऊंट आज यहाँ पीएफए में 6 दिन बाद आगे। अलवर के तिजारा इलाके के 35 सरकारी स्कूलों में 8 महीने से बच्चों को पोषाहार नहीं मिल रहा है। तिजारा के बीईओ ने इसकी शिकायत डीईओ, डीएसओ और डीएम से की है। शिकायत के बावजूद बच्चों को पोषाहार नहीं दिया जा रहा है। करीब 8 महीने से बच्चों को पोषाहार नहीं मिल पाने पर इन स्कूली बच्चों का कहना है कि न सिर्फ 1 माह से पोषाहार नहीं मिला है बल्कि पीने का पानी तक भी मयस्सर हो रहा है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि ठेकेदार स्कूल तक रसद सामग्री नहीं पहुंचा रहा है, जिससे कई गाँव के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पोषाहार नहीं मिल पा रहा है। हमारे स्कूल नहीं रहते हैं, कहीं छुट्टी भी जाते हैं तो उसके बाद मेरे पास इसका कारोबार होता है। अब ये मेरी पोस्टिंग हुई थी 20 दिसंबर 2014 को, जब से ही हमारे यहाँ पोसार नहीं पका है, यानी उससे पहले से ही हम माने चले कि दिसंबर 2014 से ही हमारे यहाँ कोई पोसार हमारा नहीं आ रहा है। नहीं, अभी तक तो नहीं मिला, बहुत दिन हो चुके हैं। कितने दिन हो गए? 7-8 महीने से खाना नहीं मिला। अगर बात करें पीने के पानी, तो पीने के पानी कैसी व्यवस्था है? पी सकते हो आपको पानी, यहाँ का पानी आप पीते हो? कभी 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 घर चले आते हैं तो।
बालोतरा में सरकारी स्कूल जर्जर हालत में है। छात्र दहशत के साए में यहां पर पढ़ने को मजबूर हैं। मामला उच्च माध्यमिक विद्यालय का है जिसकी बिल्डिंग बदहाल है। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है तो जर्जर दीवारें कभी भी ढह सकती हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिल्डिंग बनाने के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। बिल्डिंग के चारों तरफ बिजली के तार लटक रहे हैं जो कभी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। इस बारे में शिक्षा विभाग से कई बार शिकायत भी की गई लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। हालत बहुत जर्जर है, छत टूटी हुई है, विद्यालय का प्लस क्षतिग्रस्त है, जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं और सारे स्विच के बोर्ड खुले हुए हैं। मेन फ्यूज भी एक बार शॉर्ट हो चुका है, नलों में पानी नहीं आ रहा है, लैब में रसायन नहीं है। विद्यालय भवन बहुत जर्जर हालत में है, ये कभी भी गिर सकता है। इसकी समय पर मरम्मत नहीं हुई तो ये विद्यालय के लिए खतरा साबित हो सकती है। जयपुर में पुलिस की दबंगई का नजारा देखने को मिला जहां पैसे न देने से नाराज पुलिसकर्मियों ने ठेले वाले का सामान सड़क पर फेंक दिया और ठेले वाले की पिटाई कर दी। घटना ज्योति नगर इलाके की है जहां पुलिसकर्मियों ने ठेले वाले से 5,000 रुपए मांगे। ठेले वाले ने पैसे नहीं दिया तो गुस्साए पुलिसकर्मियों ने उसका सारा सामान सड़क पर बिखेर दिया। पीड़ित का आरोप है कि पिछले कुछ समय से पुलिस वाले उसे ठेला लगाने की एवज में 5,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। पुलिसकर्मी आए दिन गरीब ठेले वाले के गले से पैसे निकालकर ले जाते हैं। पुलिसकर्मियों ने उसके खिलाफ कार्रवाई की भी धमकी दी है। तब से 2 साल से ठेला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे कंटिन्यूस। क्या बात हो गई थी पुलिस वाले से? पुलिस वाला हम यहाँ गया था, कचौड़ी बेच रहे थे तो पुलिस वाला आया, बोलता 5,000 रुपए पर मंथ दो हमको। तो हमने बोला हम पैसे कहाँ से देंगे, तो आते ही ये सब्जी का भगोना इधर डोल दिया, ये सारे में सब्जी फैली हुई है। ये तो हमारे जो सेठ जी ये तो जल गए और मेरे भाई यहाँ हाथ में डंडा वंडा मारने लग गया, डंडा वंडा मारने लग गया। उसके बाद में मतलब गले में से पैसे वैसे ले गया, पता नहीं क्या, हमें तो भाग गए थे, हमें तो पिटाई लगा रहा था। अलवर में चुनावी रंजिश को लेकर लक्ष्मणगढ़ ग्राम पंचायत शहदका के सरपंच के बेटे और उसके साथियों ने पूर्व सरपंच शाहब खां की पिटाई कर उसका अपहरण कर दिया लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूर्व सरपंच को अपहरणकर्ताओं से मुक्त करवा लिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया है जबकि सरपंच के बेटे के कुछ साथी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पूर्व सरपंच साहब खां और उसके साथी बाइक से अलवर जा रहे थे, इसी दौरान 2 युवकों ने उन्हें रोका और उन पर बैट से हमला कर दिया जबकि पहले से खड़ी सफेद रंग की बोलेरो में सवार अन्य 4-5 युवकों ने भी पूर्व सरपंच को सड़क पर घसीट कर पीटा और पूर्व सरपंच का अपहरण कर फरार हो गए लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूर्व सरपंच को छुड़ा लिया। बगरू के केरतपुरा गांव में एक दलित महिला ने गांव के एक दबंग युवक पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला के मुताबिक वो झाड़ू लगाने के लिए घर से बाहर ही निकली थी कि दबंग हरिनारायण यादव ने उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। जब महिला ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि गांव का दबंग छोटू यादव पिछले कई समय से उसे परेशान कर रहा था और मोबाइल नंबर भी मांग रहा था, जब नंबर नहीं दिया तो उसे मारने की धमकी भी दी। बहरहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विजयनगर के मसूदा थाना क्षेत्र में एक महिला ने पंचायत समिति सदस्य पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया। पीड़ित महिला के मुताबिक मसूदा पंचायत समिति के वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस के पंचायत समिति सदस्य प्रवीण मेहरात ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब महिला खेत में फसल काट रही थी तो उसी वक्त खेत में आए प्रवीण ने उसके साथ रेप की कोशिश की। शोर सुनने पर आसपास के लोगों ने उसे बचाया। विवाहिता का यह भी कहना है कि आपसे रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। पंचायत समिति सदस्य प्रवीण मेहरात ने कहा कि समाज में उसके परिवार की इज्जत तार तार हो जाए, इस वजह से आरोप लगाए जा रहे हैं। इधर पुलिस पर भी महिला और उसके परिजनों ने कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी प्रवीण का कहना है कि पूरा मामला झूठा है, उसे पुरानी रंजिश को लेकर फंसाया जा रहा है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। वाकया सिकरौंदा गांव का है जहां एक युवक की पेड़ से लटकी लाश मिली। लोग दहशत में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि युवक अपनी ससुराल आया था जहां से उसे 9 सितंबर को ही विदा कर दिया गया। इधर पुलिस की माने तो उन्हें मृतक के ससुराल पक्ष और परिजनों दोनों की तरफ से तहरीर मिली है। मृतक के पिता ने मृतक की पत्नी सहित ससुराल वालों के खिलाफ हत्या करने की तहरीर पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर लेकर मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है और जांच शुरू कर दी है।
अलवर के क्यारा गांव में पंखे के रॉड से लटककर पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने दोनों शवों का बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी की खुदकुशी के वजहों का पता नहीं चल पाया है। मामले की सूचना मिलते ही महिला के चाचा ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। खबर सीकरी से, जहां के पहाड़ी थाने के गांव खंडेवला में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 4 साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा एक निजी स्कूल की बस की टक्कर से हुआ, जिसके नीचे कुचलकर बच्ची ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बरामद कर मृतका के परिजनों को सौंप दिया। पिता की मौत के बाद अपनों के अत्याचार से परेशान सवाई माधोपुर के सारसोप गांव की दो बहनों ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। पीड़ितों का कहना है कि उनके चाचा ताऊ को पुश्तैनी जमीन हड़पने की नीयत से उसके साथ मारपीट करते हैं। यही नहीं, उन्हें गांव छोड़कर जाने की धमकी भी देते हैं। पीड़ित बहनों का कहना है कि उनके परिवार में कोई लड़का नहीं होने के चलते उन्हें जमीन से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में जिला कलेक्टर का कहना है कि इस मामले में 3 बार मुकदमा दर्ज भी हो चुका है। मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद आरोपियों को पाबंद करवाया जाएगा। सवाई माधोपुर में जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में विधायक फरियादी बने दिखाई दिए। राज्य सरकार के आदेशानुसार जिला मुख्यालय के अटल सेवा केंद्र पर हर महीने के दूसरे गुरुवार को डीएम जनसुनवाई करते हैं, जिसमें आम जनता सहित बीजेपी के 52वां विधायक कुंजीलाल मीणा ने भी प्रशासन के सामने फरियाद लगाई, अपने शिकायत दर्ज कराई। विधायक का कहना है कि 52वां क्षेत्र में बिजली की समस्या से किसान परेशान है। शिकायतों के बाद भी सुनवाई नहीं होने पर उन्हें खुद यहां आना पड़ा। वहीं विधायक ने रसद विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों को राशन सामग्री समय पर नहीं दिया जा रहा, जिस वजह से उन्होंने कलेक्टर से शिकायत की है। झुंझुनू जिला के बुहाना में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। यहां के सातड़िया गांव में फैलते जा रहे डेंगू बुखार ने चिकित्सा विभाग की नींद उड़ा दी है। यहां कई डेंगू प्रभावित मिले हैं, जिन्हें इलाज के लिए जयपुर भेजा गया है। जांच में करीब 37 रोगियों में बुखार पाया गया है, जिनके खून के नमूने लेकर जांच कराने के लिए भेजे गए हैं। वहीं सातड़िया गांव में फॉगिंग मशीन से दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। इस गांव में चिकित्सा विभाग की तरफ से टीम की तैनाती भी की गई है, जो लोगों की जांच में जुट गई है। भरतपुर में चिकित्सा व्यवस्थाएं और दुरुस्त होंगी, ये कहना है चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ का। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि आगामी 1.5 साल में यहां एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू जैसे रोगों से बचाव और इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगी और कोशिश की जा रही है कि इस बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। आपको बता दें कि चिकित्सा मंत्री भरतपुर दौरे पर पहुंचे, इस दौरान उन्होंने महिंद्रा द्वारा शुरू की गई लाइफलाइन एक्सप्रेस का शुभारंभ किया।